और दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से इस समय नीलम साफ साफ सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है मलिष्का को, लेकिन यहाँ पर सर्गी की जो रसम देनी थी वो रसम देनी थी लक्ष्मी को, लेकिन लक्ष्मी को वो रसम नहीं दी और ऋषि उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा नाखुश नजर आ रहा है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जो करवा चौथ की रसम थी उसकी हकदार कोई और नहीं है बल्कि यहाँ पर लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी को इस रसम से बहुत ज़्यादा दूर रखा गया है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में लगातार एक नहीं बल्कि समय एक और भी नया ट्विस्ट आता हुआ नज़र आएगा, जब यहाँ पर साफ साफ बोलती हुई नज़र आने वाली है इस समय मलिष्का वो भी लक्ष्मी से कि लक्ष्मी देखा तुम्हारी इस घर में क्या औकात है क्या औकात नहीं है, इस चीज़ को तुम्हें पता चल ही गया होगा। अब फ़ायदा इसी में है कि तुम इस घर से 9-2-11 हो लो, नहीं तो इससे भी ज़्यादा तुम्हारी बेइज्जती होगी। जिसके बाद में लक्ष्मी बोलती हुई नज़र आएगी कि वो बेइज्जती तो अभी तुम्हारी होनी है, क्योंकि ये देखो ऋषि तुमको सपोर्ट करता है या मेरे को सपोर्ट करता है ये देखना रहा चैलेंज, तो जो रस्म मेरी है उन रस्मों को मैं निभाऊंगी हर कीमत पर, इसमें तुम कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। और दोस्तों सच्चाई भी है, क्योंकि इस समय लक्ष्मी अपना फर्ज बखूबी निभाती हुई ही नज़र आएगी दोस्तों, क्योंकि लक्ष्मी का मानना यह है कि कुछ रस्में वाइफ की होती हैं वो निभानी बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं। नीलम की चाहे मलिष्का के साथ में कितनी ही अच्छी तरीके से घुट रही है, लेकिन लक्ष्मी अपने फ़र्ज से कभी भी पीछे नहीं हटेगी और वो ये सोच किसी और की नहीं बल्कि लक्ष्मी की ही है दोस्तों। सूत्रों के हवाले से इस समय की एक और भी बड़ी खबर मिलती हुई नज़र आने वाली है दोस्तों, जिसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसी लग रही है।